सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2021 की जो कमियां रह गई है उम्मीद करता हूं 2022 में पूरी होगी। आप सभी हेल्दी रहेंगे, आपने जो सपने सोचे थे, जो संजोए थे, वो 2022 में आपका पूरा होगा। मैं गॉड से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के सपने 2022 में पूरे हो। लेकिन साथ में यह बोलना चाहूंगा कि 2021 के जो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं उनको आप भूल जाइए, क्योंकि 2021 का समापन हो गया है और 2022 का आगाज हो चुका है। तो 2022 में जिस उत्साह के साथ आप लोग वेलकम कर रहे हैं, पूरे साल भर उसी एनर्जी और उसी उत्साह के साथ आप काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ख़ास तौर से मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप टाइम मैनेजमेंट पे ख़ास तौर से ध्यान दें, समय को अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि अगर समय को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो समय आपको बर्बाद कर देगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हो सकते। हम बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। इसीलिए आप हमेशा खुश रहें, किसी भी चीज़ में आप हमेशा पॉजिटिविटी देखें। जनरली जो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक गिलास है जो आधी भरी हुई है आधी खाली है। लोग ऐसा बोलते हैं कि गिलास आधी खाली है, उनको बोलते हैं कि आप निगेटिव बात करते हैं, लेकिन गिलास आधी भरी है उसको कहते हैं पॉजिटिव आप बात करते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपको बोलना है कि पूरी गिलास भरी हुई है, आधी पानी से भरी हुई है आधी हवा से भरी हुई है। तो आपके देखने का जो डायमेंशन होना चाहिए वो बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आप सकारात्मक सोचेंगे लाइफ में सब कुछ सकारात्मक होता जाएगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। नव वर्ष में आप डायरी लेखन कर सकते हैं, आप अपने टारगेट को फिक्स कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट आप रख सकते हैं जिससे कि आप उसको अचीव करते हुए आप सफल हो सकते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि खरगोश और कछुए की कहानी मैंने बताया था, तो मैं यह फिर से रिपीट करूंगा कि खरगोश की तरह आराम करने के बजाय कछुए की तरह कंटिन्यू आपको अपने मंजिल की तरफ, अपने एम की तरफ चलना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि सफल होने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ाई करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, आप सफल होते हैं। कोई भी कमज़ोर मजबूत एवरेज स्टूडेंट हो ब्रिलियंट हो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा, जब से आप तैयारी कर शुरू करते हैं तभी से आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं, आप आधी दूरी तय कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप हमेशा ध्यान रखें। अति उत्साह अति निराशा दोनों ही घातक हैं, मध्यम मार्ग की तरफ आपको चलना चाहिए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे हम एक चाय की प्याली लिए हैं और एक बिस्किट को डीप करते हैं और डीप करके उसको खाते हैं, यदि हमने ज़्यादा डीप किया तो बिस्किट जो है टूट के चाय में गिर जाती है, वो हमारा जो है लॉस होता है। अगर हम कम डीप करते हैं तो जो टेस्ट के लिए हमने डीप किया है चाय में अपने बिस्किट के, वो भी जो है पर्पस सोल्व नहीं होता है। और हद तो तब हो जाती है जब पहली बार में जो गिरी हुई बिस्किट के टुकड़े जो मैंने ज़्यादा डिप किए थे और टूट के गिर गए थे चाय के ग्लास में, उसको दूसरे बिस्किट से उसको निकालने का प्रयास करते हैं तो वो भी बिस्किट गिर जाता है। यानी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक बार आपने टाइम को लूज किया और आपने रीथिंक शुरू किया आप अपने बैक पास्ट को, तो आप फ्यूचर को आप हमेशा लॉस्ट करते जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वर्तमान में आपको रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप से सोच सकते हैं कि यह पूरा का पूरा प्रेजेंट टाइम है, अगर हम पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे, आगे की तरफ सोचेंगे तो भी अच्छे नहीं दिखेंगे। यानी इसीलिए टुडे नेक्स्ट टुमारो, आज ही कल का निर्माण करता है, इसलिए बीते हुए कल की चिंता ना करें और आने वाले कल का भी चिंता नहीं करें। आज आप बेहतर करें, हर दिन कुछ नया अपने लाइफ में जोड़ें, माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का आदर करें, आपके जो टीचर रहे हैं आपके फ्रेंड हैं उनको आप रिस्पेक्ट करें और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। अगर पॉजिटिव मूड होगा, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होगी तो कुछ भी असंभव नहीं है।
आप अपने उत्साह के साथ किए गए सकारात्मक दिशा में कार्य आपको सफल बनाएगी। और उम्मीद इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा कि 2022 में कोई गिला शिकवा आपको ना रह जाए कि आपने वो अचीवमेंट हासिल नहीं किया। सामान्य तौर पे जनवरी में हमारे पास जो उत्साह होता है दिसंबर में जाते जाते कम हो जाता है, तो इसीलिए जो अभी की जो उत्साह है, अभी न्यू ईयर के जो उत्साह है उसको कंटिन्यू रखिएगा। साथ में मैं ऐड करूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड के तीसरे लहर की तरफ जो है पूरा वर्ल्ड जा रहा है, इसीलिए आप सब घर में रहते हुए जिस भी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, पीयर लर्निंग कर रहे हो, आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो या ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसी में आपके लाइफ और जॉब सेटिस्फेक्शन छुपा हुआ है। और अगर 2-3 साल आपने खूब अच्छी पढ़ाई कर ली तो पूरी की पूरी लाइफ आपकी बदल सकती है, लेकिन आपने 2-3 साल आपने गवा दिया तो पूरा का पूरा लाइफ स्पॉइल हो सकता है। हमेशा जो है आपको दुख आपके जीवन में रहेगा, हमेशा संतुष्ट सेटिस्फाइड आप नहीं रहेंगे, आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, हम अपने आप को कोसेंगे। और कई बार लोगों को मैंने देखा है कि वो हमेशा अपने भाग को कोसते हैं, तो भाग तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो फाइनली आप सभी को फिर से नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।